नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सियासी माहौल में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ अपडेट है, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आज हम आपको वहां तक लेकर चलेंगे जहां तक अभी यहां के राजनीतिक दल पहुंचे नहीं हैं। 13 सीटों पर क्या कुछ होगा, भले ही सियासी दल वहां तक पहुंचने में देरी कर रहे हों, लेकिन हम आपको 13 सीटों का लेखा जोखा बताएंगे कि दरअसल वहाँ के दावेदार कौन है, इससे पहले कौन जीते थे, वो मार्जिन क्या था, और आप खुद एक आकलन करने की स्थिति में होंगे कि 13 सीटों पर क्या कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले एक मैराथन बैठक की तरफ चलेंगे जहाँ जेएमएम और कांग्रेस के नेता मिले। परिणाम क्या निकला, पहले वो बाइट सुनेंगे और फिर हम अपने रिपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। ये हेमंत सोरेन के आवास पर चली बैठक, महागठबंधन के तहत लड़ेंगे चुनाव, ये हेमंत सोरेन ने कहा। 24 घंटे के अंदर सारी चीजें साफ हो जाएंगी महागठबंधन को लेकर, आलमगीर आलम ने कहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शुक्रवार को आएंगे रांची, ये जानकारी है। और फिर हेमंत सोरेन और आरपीएन सिंह मिलकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब यह है कि मसौदा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आखिरी जो घोषणा होगी महागठबंधन को लेकर, शायद उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़े। गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं और उसके अनुरूप आज हम लोग फिर से यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता, कांग्रेस विधानसभा नेता यहाँ उपस्थित हैं और कांग्रेस के विधायक मैनुल हक जी भी हैं और अभी आरजेडी के तरफ से तेजस्वी भाई भी आने वाले हैं। और हम लोग का चूँकि जिस विषय को लेकर के आप लोगों की चिंता बहुत अधिक है, उस चिंता को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका चरणबद्ध तरीका से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी और हमारे जो सहयोगी हैं उसको भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को चीज़ों को फिर स्पष्ट किया जाएगा। बिल्कुल, हम लोग जिस विषय को लेकर आप लोग की संशय है उस विषय को ख़त्म करने की पूरी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग हमने कहा था कल भी, आज एक कुछ चेहरा आपको दिखाएंगे। आज हम लोगों ने कुछ चेहरों के साथ आप लोग के समक्ष हाजिर हुए हैं और कल और भी कुछ चीज़ों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे और निश्चित रूप से ऐसे करते करते हम लोग अपनी सभी चीज़ों आप जो समय और चरणबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखेंगे। हम लोग का मकसद है कि झारखंड की जनता को कैसे राहत मिले, उसकी हम लोग की चिंता है। गठबंधन हम लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और हम लोग ने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग अपना चुनाव जो है हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत जल्द 24 घंटा के अंदर जो है पर्दा जो आप लोग दिखाई दे रहा है वो भी संख्या और जो भी वो कल पर्दाफाश हो जाएगा, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। दल है अभी हेमंत जी बोले कि आरजेडी का प्रधान जो है तेजस्वी यादव जी वो आ रहे हैं और लोग आते रहेंगे, आप लोग देखते रहे, बहुत सारे दल आएंगे। लोकसभा चुनाव में जैसे सीटों पर जेएमएम ने त्याग किया था, अभी क्या कांग्रेस आप त्याग करेंगे जैसा कि जेएमएम के नेता भी? देखिए ऐसा अब देखिए बोले कि बहुत सारी चीज है जो हम लोग आपको बता दिए हैं कि हम लोग का गठबंधन तय है, गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो नियम का अनुकूल ही हम लोग सब कुछ करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता विपिन के पास। विपिन, अब ऐसा लगने लगा है कि ये दोनों दल, खासकर कांग्रेस और जेएमएम, जिस बात को लेकर उलझे हुए थे वो शायद अब सुलझ गया है और अब एक कंक्रीट रूप महागठबंधन का निकलकर सामने आ गया है।
यानी कि लगभग लगभग चीजें स्पष्ट हो गई है, दो सीट है जिस पर की पेंच अभी भी बरकरार है, घाटशिला और गुमला को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है कि किस दल का उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाकी कमोबेश जो सीटें थी जिसकी चर्चा हम आज शाम से कर रहे थे उसके तहत 44 सीटें जेएमएम के खाते में गई है, 30 सीटें कांग्रेस के हिस्से में और 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार इस विधानसभा के चुनाव में उतारेगा। यानी कि जो जिस गठबंधन की बात लगातार चल रही थी उसकी स्थिति अब लगभग इतनी तो जरूर स्पष्ट हो गई है कि तीन राजनीतिक दलों का यह गठजोड़ होगा जो झारखंड में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा। और जिस तरह से आज कहा गया कि विपक्षी एकता के सहारे झारखंड में बीजेपी की सरकार को यहां से उखाड़कर फिर से नई सरकार बनाना है विपक्षी एकता की, तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं लगभग लगभग चीजें स्पष्ट हो चुकी है। जो जिन सीटों पर पेच फंसा था रांची को लेकर लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची से चुनाव लड़ेगा, विश्रामपुर पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, और सबसे बड़ी जो उलझन की बात थी कि प्रदीप बालूचू को लेकर जो सीट फंसी हुई है घाटशिला की और गुमला, इन दो सीटों पर सिर्फ सहमति बाकी है। और तमाम चीजों को अब अंतिम स्वरूप देने के लिए, इस गठबंधन की घोषणा करने के लिए कल झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची आएंगे, और जो जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 बजे के बीच में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कि आरपीएन सिंह, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में गठबंधन का ऐलान होगा, सीटों का ऐलान होगा, सीटों की संख्या का ऐलान होगा। तो इसके साथ ही जो बीते तकरीबन 1-1.5 महीने से झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल था कि गठबंधन होगा तो कैसा होगा, कौन से दल शामिल होंगे, कौन कहां लड़ेगा, इसकी पूरी और साफ तस्वीर के लिए किस गठबंधन को लेकर त्याग किसने ज्यादा किया है। जैसे कि ये तो जब तमाम सीटें जो हैं वो जब घोषित हो जाएगी तब पता चल पाएगा कि किसने अपने जनाधार वाली सीट को छोड़ा है गठबंधन को बचाए रखने के लिए। लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर तकरीबन 41 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जो बात झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार कह रहा था कि पार्टी जो है संयुक्त विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, इसलिए आजा बहुमत से ज्यादा की सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगा। और जिस तरह से पहले ही तय हुआ था बीते वर्ष जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उसी वक्त ये तय हुआ था कि यहाँ पर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव में नेतृत्व करेगी गठबंधन का, और जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो नेतृत्व करता होगा। तो ये भी तय है, इस लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो दावा था और तकरीबन 43 से 44 का वो आंकड़ा होगा किसी भी सूरत में, तो अब ये माना जा सकता है। और ये हम कह भी सकते हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जिस तरह से अगर गुमला मान लीजिए अगर कांग्रेस के हिस्से में आती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए त्याग होगा, सिसई अगर जेएमएम छोड़ता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का त्याग होगा, क्योंकि इन सीटों पर पिछली बार जेएमएम के उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पे थे, विश्रामपुर में भी जामुनो का उम्मीदवार जो था वो दूसरे पायदान में थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि विश्रामपुर कांग्रेस के लिए जेएमएम ने छोड़ दिया है। तो लगभग कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें या फिर जेएमएम की बात करें तो एक संयुक्त रूप से लोगों ने आपस में सहमति बनाई है, सीटों को छोड़ा है, उद्देश्य एक है कि मिलकर लड़ेंगे तो शायद परिणाम जो है वो 2014 के इतर होगा। क्योंकि अगर 2014 के परिणाम पर गौर करते हैं तो तकरीबन 20 से 23 सीटें ऐसी थी जिसका कि मार्जिन 44 वोट से लेकर तकरीबन 2500 वोट के आसपास रहा था, जिसके वजह से कांग्रेस जेएमएम को या फिर राजद को उम्मीदवार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो यह भी एक सबब है, एक सबक विपक्षी दलों ने लिया है। 2014 में भी इसी तरह के बड़े नेताओं की सीट की वजह से गठबंधन जो था वो टूट गया था, और सरकार में रहते हुए जेएमएम ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन परिणाम जो था वो बिल्कुल ही विपरीत था, कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई थी, जेएमएम को जरूर फायदा हुआ था, जेएमएम 19 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाया था, राजद का सूपड़ा साफ हो गया था। तो ये भी अनुभव रहा। और जो 24 तारीख को परिणाम आए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के, उससे भी सबक कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने लिया है, यही ये एक सबसे बड़ी वजह है कि बड़े नेताओं की सीट को छोड़कर गठबंधन में कौन कहां जीत सकता है, इस फॉर्मूले पर गठबंधन का जो खाका है वो तैयार हुआ है। कल इस जी बिल्कुल जो विनिंग जो यहाँ पर ये है उस पर फोकस किया गया कि कौन कहाँ जीत सकता, नेता कौन कितना बड़ा है ये अहमियत नहीं रखता है, कौन कहाँ से चुनाव जीत सकता है और जो लक्ष्य है जो उद्देश्य है बीजेपी को यहाँ से हटाना वो कौन पूरा कर सकता है, तो उसको सामने लाकर इस गठबंधन में सीट समीकरण जो था और सीटों का जो बंटवारा था उस पर अब तक चर्चा हुई है और कल इसकी आधिकारिक घोषणा। विपिन, इस मुद्दे पर आपसे ये होगा कि क्या जेवीएम की कमी इस महागठबंधन को महसूस होगी?
जी। देखिए जेवीएम के बारे में अगर बात करें तो कल जेवीएम की केंद्रीय कार्य समिति जब बैठी थी तो उसमें भी इन मसलों पर चर्चा हुई थी कि झारखंड विकास मोर्चा को गठबंधन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस पर एक स्वर से सभी जेवीएम के नेताओं ने कहा था कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर जेवीएम को हम इस गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, उनको उनके मन मुताबिक सीट देते हैं, उनके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो भाजपा में नहीं जाएंगे। ये डर था, ये सबसे बड़ा डर था, जिसके वजह से हेमंत सोरेन ने भी बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को भी लगता है कि हम अब बिल्कुल अपनी मुख्य खबर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि सियासी दल अभी तक सीटों पर नहीं पहुंचे हैं, सीटों के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में घोषणा नहीं कर पाए हैं। अभी बहुत सारे गठबंधन ऑन वे हैं, रास्ते में हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे 13 सीटों का लेखा जोखा, क्या कुछ होगा वहां पर, क्या प्रत्याशी किस तरह के होंगे, प्रत्याशियों में दावेदार कौन कौन से हैं और किसकी हालत थोड़ी पतली हो गई है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।